मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। दुल्हन और उसका मियां हनीमून मना के वापस आ रहे हैं। गाड़ी का एक्सीडेंट क्या? जब तक हम तुम्हें इजाजत नहीं देंगे तुम्हें यहीं रहना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम घर छोड़ के चले गए तो तुम्हारे बाबूजी दिनेश को वहां ले आए? हमारे लिए फूल किसने भिजवाए थे? होटल का बिल किसने पे किया था? मेरी आड़ में उन लोगों से कोई बदला नहीं लोगी तुम। आपको मेरे हस्ताक्षर चाहिए ना, तुम्हारे भी और पुरुषोत्तम के। आप इन पर दस्तखत कर दीजिए कि आप मेरी गारंटी लेते हैं। इसके मुताबिक अगर तूने वो रुपये डुबा दिए तो वो रकम मैं भरूंगा। जी, अगर तुझ पर उन्हें बहुत भरोसा है तो फिर मेरी दस्तखत की क्या जरूरत है? मैं दस्तखत नहीं करूंगा। बाबूजी, मुझे एक मौका मिल रहा है और आप मेरी मदद नहीं करेंगे। मैं आपसे रुपया तो नहीं मांग रहा हूं, मैं सिर्फ साइन करने को कह रहा हूं। अगर कोई नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई भी मैं ही करूंगा, आपसे नहीं करूंगा। कहां से करेगा? तेरे पास रुपया है? दूसरों के पास भीख मांगने जाता है, अपने घर का जो बिजनेस है उसे क्यों नहीं संभालता ठीक तरह से? वो सिर्फ आपका बिजनेस है, मेरा नहीं। आप जो कहते हैं वही करना पड़ता है। आपका हुक्म नहीं माना तो डांट पड़ती है। क्या जिंदगी भर आपके इशारों पर नाचता रहूंगा मैं? पर चलता बोल रहा है, मित्तल ने रुपए देने का वादा क्या कर दिया? दिमाग साथ में आसमान पर चढ़ गया तेरा? दिमाग साथ में आसमान पर नहीं है मेरा। जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ है कि कोई और भी मुझ पर विश्वास कर सकता है। बाबूजी, आप मुझ पर विश्वास नहीं करते लेकिन मित्तल अंकल करते हैं। यहाँ क्यों खड़ा है? जाके बैठ वहां पर। हाँ हाँ, चला जाऊंगा। जिस तरह से सुभाष घर छोड़कर गया था उसी तरह से मैं भी चला जाऊंगा। जो मेरे लिए दस्तखत नहीं कर सकते उनसे मैं कोई उम्मीद नहीं रखूंगा। राधे, एक कागज के लिए तूने आज मुझे इतना कुछ कह दिया? तुझे दस्तखत चाहिए ना? ये ले, मैंने दस्तखत कर दिए हैं, जाकर दे दे अपने मित्तल अंकल को। थैंक यू बाबूजी, और अब नहीं चाहिए। बाबूजी, आप हमेशा मुझसे जबरदस्ती करते हैं लेकिन वैसी जबरदस्ती मैं आपके साथ नहीं करूंगा। वंदना कह रही थी कि तुम यहाँ पर खुश नहीं हो और इस मामले को लेकर काफी बहस भी की थी तुमने इनसे। मैंने इनसे कोई बहस नहीं की, मैंने सिर्फ इतना कहा कि जो वादा मुझसे किया गया था वो पूरा नहीं हुआ। कौन सा वादा? तुम्हें अलग घर दिलवाने का? तुमसे इनकार कब किया? जैसे कोई अच्छा सा घर मिलेगा तुम्हें दिलवा दिया जाएगा। लेकिन ये अच्छा घर मिलेगा कब?
मुझे तो लगता है जिंदगी भर मुझे यहीं रहना पड़ेगा। तो अगर रहना भी पड़ गया तो कोई हर्ज है उसमें? मेरी समझ में नहीं आता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मैंने तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाया, तुम्हारे सारे खर्चे उठा रहे हैं हम, और क्या चाहिए तुम्हें? जितना मैंने तुम्हारे लिए किया है तुम्हारे बाबूजी ने भी नहीं किया होगा। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे? दिन रात आपका शुक्रिया अदा करता फिरूं? सुभाष, डोंट टॉक टू पापा लाइक दैट। वो मुझसे बड़े हैं तो कुछ भी कह सकते हैं, मैं छोटा हूँ, सुनता रहूं। अब जब तुमने बोला है ना तो हम भी मुख। तुम्हारा जब अमिता के साथ अफेयर चल रहा था हमने तुमसे कुछ कहा? एक लफ्ज भी नहीं कहा। हमने तुम्हारा लिहाज रखा, तुम भी हमारा लिहाज रखना सीखो, और जो मिल रहा है ना उसका शुक्रिया अदा करो। थैंक यू मित्र, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। सुभाष मत बुलाइए सर, उसे खाना कमरे में दे आओ। चल मेरे साथ। कहा? अपने बाबूजी से माफी मांगने। उठ उठ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा और उनसे माफी भी नहीं मांगूंगा। तू उनके साथ इतने बदतमीजी से पेश आया और कहता है माफी नहीं मांगेगा? उन्होंने जो बातें मुझे सुनाई वो नहीं सुनी आपने? हमेशा डांटते रहते हैं, क्या मुझे बुरा नहीं लगता? लेकिन तुम्हें हमारी कोई परवाह नहीं है, तुम भी उनकी तरफदारी करना छोड़ दो और कभी कभी हमारे बारे में सोच लिया करो। अब हम कोई बच्चे नहीं है जो हमेशा उनकी डांट फटकार सुनते रहेंगे। जाकर कह दो उन्हें। नमस्ते भाभी। आइए भाई साहब। पुरुषोत्तम आओ और चाय पियो हमारे साथ। आज कमाल का सरप्राइज दिया तुमने। चौंका देने वाली हरकतें तुम कर रहे हो, मैंने क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तुम सुभाष को अपना घर दामाद बनाना चाहते थे, आखिरकार अपने मकसद में कामयाब हो ही गए। सुभाष को तो मुझसे छीन लिया, अब राधे श्याम को भी मेरे खिलाफ भड़का रहे। देखो अगर तुम्हारा इशारा उस बिजनेस की तरफ है जो राधे श्याम मेरे साथ मिलकर करना चाहता है तो उसके लिए वो आया था मेरे पास, मैंने उसे बुलाया नहीं था। बिजनेस के लिए रुपया तुमने दिया था उसे, तुमने उसके दिमाग में ये बात डाली कि वो गद्दी का काम छोड़कर खुद अपना कारोबार शुरू करे। देख लिया आपने, एक तो भला करो फिर इनकी चार बातें भी सुनो। मैंने आपसे पहले कहा था इस झमेले में मत पड़े आप, देख लिया नतीजा। तुम थोड़ी देर चुप रहोगी, मैं बात करता हूँ। क्या बात करेंगे आप इनसे? ये आपसे झगड़ा करने आए हैं। कहते हैं हमने राधे श्याम को बहकाया है। क्यों? राधे श्याम कोई दूध पीता हुआ बच्चा है जो इनकी उंगली पकड़ के चलेगा? देखिए चौधरी साहब, हम लोग चुप रहते हैं इसका फायदा मत उठाइए। अपने बच्चों को काबू में नहीं रख सकते, हमें दोष देने चले। इनकी बात का मतलब मानना, मैं बता दूं असलियत क्या है। सब समझ में आ रहा है मित्तल, जो बातें तुम नहीं कह सकते वो भाभी के मुंह से कहलवाते हो। ये कहती हैं मैं अपने बच्चों को काबू में नहीं रख सकता, लेकिन आपकी बेटी ने हमारे घर में रहकर जो मर्यादाएं तोड़ी उससे वाकिफ नहीं है। पुरुषोत्तम शुक्ला बहुत हुआ, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, नजदीक जाकर देखो तब पता चलता है कितने बदसूरत हैं। अब तो लगता है कि तुमसे रिश्ता करके भी हमने बहुत बड़ी भूल की, ऐसी भूल जिसे सुधारा भी नहीं जा सकता। चलता हूं मैं। अपर्णा, अपर्णा जी, अचानक कहाँ चले गए थे आप? मैं तल के यहाँ गया था उसने जवाब तलब करने। जवाब तलब करने क्या मतलब? मैं उसे यह पूछने गया था कि मारे से क्या दुश्मनी है उसे जो वो मारे बच्चों को बखला रहे हो हैं। पहले सुभाष को मारे से छीन लियो और अब रात शाम को भी मारे खिलाफ कर दियो। इसमें उनका क्या कसूर? सुभाष अपने मर्जी से घर छोड़कर चला गया और राधे तो किसी का कोई कसूर नहीं, सारा कसूर मारो है। मैं क्या अपने बच्चों का दुश्मन हूं? हाँ बोलना, जवाब दे मारी बात को। मित्तल यही चाहता तो
कि सुभाष उनका घर दामाद बनकर रहे हैं। वो अपने एक राधे में तो कामयाब हो गए हो, अब वो राधे श्याम को भी अपने साथ कर लेना चाहता है। राधे खुद वहाँ चला गया था, मित्तल भाई साहब ने नहीं बुलाया था उसे। अपने बच्चों से तो बिगाड़ लिया है आपने, अब दोस्त और रिश्तेदारों को भी नाराज करेंगे क्या? सिर्फ ठंडे दिमाग से सोचिए आप, कहीं ना कहीं आपके भी गलती हुई होगी। अगर तू भी मन्ने कसूरवार ठहरा रही है तो वाकई गुस्ताखी मारे से ही हुई होगी। इसी बात की सजा हमारे बच्चे मन्ने दे रहे हैं। इस बार आपके दोस्त ने हद कर दी, खामखा इल्जाम लगा के चले गए हम पर। मुझे भी उनका बर्ताव ठीक नहीं लगा। ठीक नहीं लगा? अरे बेहूदगी और बदतमीजी की हद थी। तभी कहते हैं शादी बराबर वालों में करनी चाहिए। उनका और हमारा कभी ना मेल था ना कभी रहेगा। अब आप हमेशा की तरह उनके साथ जाके घुल मिल मत जाना। इस बार उन्हें हमसे माफी मांगनी पड़ेगी। वो माफी कभी नहीं मांगेंगे। ठीक है, फिर आप भी उनसे बात नहीं करेंगे। हमें भी रिश्ता नहीं रखना है उनके साथ। ने उनके घर में अपनी बेटी ब्याई है, अपनी इज्जत नहीं बेची उन्हें। जब तक वो हमसे हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगेंगे, आप उनसे नहीं मिलेंगे, बात भी नहीं करेंगे। ठीक है बत्रा, तुम सही कह रही हो। इस बार पुरुषोत्तम को झुकना होगा मेरे सामने। क्या बनाया है खाने में? दाल सब्जी और चपाती, एकदम हल्का फुल्का खाना। जब तुम पूरी तरह अच्छे हो जाओगे तब मैं अच्छे खाने पकाऊंगी तुम्हारे लिए। अब तुम खाओगे या मैं खिलाऊं तुम्हें? तुम्हें खिला दूँ। फिर भी बड़ों का लिहाज तो करना ही पड़ता है। अरे पानी का गिलास वहीं पर। क्या हुआ प्रीति? चक्कर सा आ गया था। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। प्रीति कहीं मेरी खातिरदारी करते करते तुम खुद बीमार ना हो जाओ। नहीं दिनेश, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। फिक्र कैसे ना करे, खाने पीने का भी होश नहीं रहता तुझे। तू भी खाना खा ले, मैं ले आती हूँ। प्रीति तुम ठीक हो ना? मेरे साथ चलोगी? मुझे डॉक्टर के पास जाना। हुआ क्या है? जिस बात का डर है कहीं वो ना हो, तुम प्लीज चलो ना मेरे साथ। किस बात का डर? क्या कह रहे हो तुम? मैं नहीं जानती मुझे क्या कहना चाहिए, बस तुम दुआ करो कि मेरा शक सही ना हो। तुम प्लीज चलो ना मेरे साथ। हाँ अभी चलते हैं। तुम बैठो, मैं भी आई। क्या हुआ प्रीति? ठीक तो है ना? प्रीति माँ बनने वाली है। हाँ?
बकायदा लेती रहना, प्लीज जाके मुझसे मिलना। डॉक्टर कह रहे थे कि तुम्हें मां बन जाना है, लेकिन मुझे बच्चा नहीं चाहिए। ये बच्चा अगर इस दुनिया में आया तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। प्रीति वो मैं सच कहती हूँ विशाखा, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मैं अभी जाकर डॉक्टर से कहती हूँ। प्रीति शांत हो जाओ, हम घर चलते हैं, वहीं चलकर बात करेंगे। विजय से मिले तुम्हें अरसा हो चुका, तो फिर ये सब हुआ कैसे? मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन ये उन दिनों की बात है जब यहां तुम्हारे साथ रहती थी। विजय यहां आया था? उसने रोना धोना शुरू कर दिया। वो मुझसे कहने लगा कि वो अब भी मुझे बहुत चाहता है और वो मेरे बिना नहीं रह सकता। फिर वो जबरदस्ती करने लगा। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। जो उन मर्दों में से है जो औरत की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। मेरी मदद करो विशाखा, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। प्रीति, प्रीति तुम चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। घर में हो, क्लब क्यों नहीं गए? मूड नहीं है। बहुत उदास नजर आ रहे हो, एक खुशखबरी सुनाओ। खुशखबरी कौन सी? तुम बाप बनने वाले हो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? पवन पे किसका पहरा है? लहरों को किसने बांधा है? किरण पे किसका पहरा है?